गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे सब बच्चों। कल साइंस चैप्टर फर्स्ट का मैटर एंड सराउंडिंग चैप्टर इंट्रोडक्शन हुआ था कुछ, जिसमें हम कैरेक्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, और उसमें आपको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया गया था, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। आज उसी के बारे में हम डिग्री में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की टोटल तीन अवस्था होती है, कल भी बताया गया था आपको, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठोस द्रव और गैस। तो पदार्थ की कुल तीन अवस्था होती है, ठोस द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं ठोस पे। बच्चों ठोस तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ठोस के बारे में, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ठोस, आज हम देखते हैं, ठीक है। दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो, उसके बाद डिफिनेट शेप हो, वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। देखिए, अगर हम किसी सॉलिड को दबाएं, प्रेशर दें, फोर्स अप्लाई करें, तो क्या उसके अवस्था में या शेप में कोई परिवर्तन आता है? नेग्लिजिबल परिवर्तन, नेग्लिजिबल चेंजेस आता है, मतलब कि जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो ठोस क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसका आकार आयतन निश्चित हो और उसकी स्पष्ट बाउंड्री हो, उसे ही क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज द सॉलिडिस टेस्ट। देखिए, जब मैंने बताया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, सॉलिड है अगर, तो फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके शेप में चेंज नहीं आता है, तो जो टेंडेंसी है नॉट टू चेंज इन द शेप इज नोन एज द रिजिडिटी। ये क्या कहलाता है? रिजिडिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दृढ़ता जिसे हिंदी में कहते हैं, दृढ़ता। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो उसकी शेप में परिवर्तन ना हो, उसे रिजिडिटी कहते हैं। देखिए, जब किसी ठोस पर हम बल लगाते जाएं, बल लगाते जाएं, उस ठोस में क्या होता है, उसकी शेप में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो ब्रेक हो सकता है, मतलब वो टूट भी सकता है। तो आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया सॉलिड की डेफिनेशन, एक अलग तरीके से सॉलिड में देखते हैं। देखिए, ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है आपके सामने, ये सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड मैटर के लिए है। इसके बीच में देखिए पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े पास पास हैं, कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में बताया गया था। इसमें देखिए पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स अगर पास पास हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पार्टिकल्स, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? मोर होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। आगे देखिए, अगर ये पार्टिकल्स पास पास हैं तो इनके बीच में स्पेस क्या ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। इसके मतलब कि पार्टिकल के, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर पार्टिकल, किसी मैटर के पार्टिकल पास पास सटे हुए हैं, क्या वो मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है? जैसे चार पांच लोग इकट्ठे यहाँ पे सट खड़े हो जाए और बोलूं मूवमेंट करो, मूवमेंट कर सकते हो आप फ्रीली? नहीं। तो ऐसे सॉलिड भी क्या होता है, ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाता है, मतलब लेस मूवमेंट होता है, लेस मूवमेंट होता है। सॉलिड का कुछ एग्जांपल आपने देखा, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, एनीथिंग विच कैन नॉट चेंज फोर्स विदाउट एनी अप्लाई फोर्स। देखिए, जो फोर्स अप्लाई करने के बाद भी या फोर्स अप्लाई ना करने के बाद भी जिसमें शेप में परिवर्तन ना आए, वही क्या है? सॉलिड है। तो रिजिडिटी हो गई, सॉलिड हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, देखिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके सॉलिड के, रबर बैंड। रबर बैंड मैंने बोला अभी कुछ देर पहले, जब किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करें और शेप में परिवर्तन ना हो तो वो क्या होता है? सॉलिड। लेकिन रबर बैंड पे जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके शेप में चेंजिंग आ जाती है, बताइए क्या ये सॉलिड है? आगे देखते हैं, एक शुगर एंड सॉल्ट, शुगर चीनी और नमक। आप इन्हें क्या करो, चीनी और नमक को कुछ चम्मच को पानी में डाल दो, 100 ml वाटर लो, उसमें क्या करो आप 2 स्पून शुगर 2 स्पून सॉल्ट डाल दो। आप क्या देखते हैं, शुगर तो और सॉल्ट जो था वो तुम्हारा सॉलिड था, लेकिन वहाँ डालने के बाद क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। अब वो कहाँ चला गया, क्या वो सॉलिड है कि नहीं? एक चीज़ और, स्पंज हो गई, स्पंज
स्पंज भी जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके शेप में चेंज आ जाता है। ऐसा क्या वो सॉलिड है? हाँ, ये तीनों भी सॉलिड है। और कैसे? देखिए, रबर बैंड सॉलिड कैसे होता है? रबर बैंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं फिर तो उसके शेप में चेंज आता है। जैसे ही फोर्स हटा लेते हैं हम, जो हमने अप्लाइंग फोर्स था उसे हटा लेते हैं, वो क्या होता है? रीगेन्स आवर शेप, फिर से अपने शेप में वापस आ जाता है रबर बैंड। ऐसे शुगर एंड सॉल्ट, देखिए शुगर और सॉल्ट को जब पानी में हम डालते हैं वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स को आप ले लो, शुगर के पीस को, मतलब छोटे छोटे जो शुगर के पीस हैं या आप सॉल्ट के पीस हैं, आप उनको अपने हाथ पे रख लो, हथेली पे रख लो फॉर्म में, क्या आप उसमें अब यहाँ हाथ पे रखे हो या किसी बर्तन में रख दो या कहीं किसी यूनिवर्स में किसी और जगह रख दो जहाँ पे उसके जैसा टेम्परेचर हो, तो अब बताइए क्या वहाँ पे उसकी टेंडेंसी चेंज होगी या शेप चेंज होगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि सॉल्ट और शुगर भी क्या है? सॉलिड है। आगे देखिए स्पंज, स्पंज में क्या होता है? उसके अंदर एयर भरी होती है स्पंज में, जब उसे कंप्रेस करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर की जो एयर होती है ना वो बाहर भग जाती है, बाहर निकलने की वजह से उसके शेप में क्या होता है? चेंज आ जाता है, कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर हमसे हमने फोर्स हटाया, जैसे फोर्स अप्लाई करना बंद किया, वो फिर से एयर उसके अंदर क्या हो जाती है? आ जाती है और फिर से वो उसी शेप को गेन कर लेती है। तो ये हो गया रबर बैंड, शुगर एंड सॉल्ट एंड स्पंज। और देखिए लेस कंप्रेसिबिलिटी होती सॉलिड की होता है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम। ये है सॉलिड अपना, ये पेन मार्कर पेन अपना सॉलिड है, इसे हम कंप्रेस करें, दबाएं, क्या दबेगा? नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, लेस मोमेंट है। अट्रैक्शन फोर्स मैंने बताया होगा, अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है पास पास पार्टिकल होने की वजह से, तो इसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट समाप्त, लिक्विड स्टेट में दूसरा है। लिक्विड स्टेट मतलब द्रव अवस्था। देखिए लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड में कोई निश्चित शेप आकार नहीं होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉरी, हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ये इसीलिए रिजिड नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स न होने की वजह से इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए वो रिजिडिटी उसकी सही नहीं होती है, नॉट रिजिड होती है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसे हम फ्लूइड भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये पार्टिकल्स हैं, इसमें मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इनके पार्टिकल के जो यहाँ पे देखिए स्पेस कम था, यहाँ पे स्पेस क्या है? ज्यादा है। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब मूवमेंट भी ज्यादा होगा। फर्स्ट डेफिनेशन, इस फर्स्ट लाइन यहाँ पे मिला है, लेस अट्रैक्शन फोर्स, इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, मोर स्पेस होंगे, मैक्सिमम स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, और मोर मूवमेंट होगा, मूवमेंट भी इसमें ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सॉलिड। इसमें क्या होता है? नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और मोमेंट जो होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड ज्यादा होता है, लेस अट्रैक्शन फोर्स होता है, और उसके बाद मोर स्पेस होता है लिक्विड को। लिक्विड में देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने क्या करना है, चार पांच बीकर लीजिए, उसके बाद आपने घर का चाहे तो ऑयल हो, वाटर हो आप, या कोल्ड ड्रिंक है, इन सब चीजों को क्या करें, 50-50 ml सारे बर्तन में डाल दें। 50-50 ml सारे बर्तन में डालने के बाद आपने क्या करना है, सारे पॉट को जो भी बीकर थे आपके पास उन्हें उड़ेल देना है फर्श पे। अब आप क्या देखते हो, आप जब जैसे ही उड़ेलते हो, जो 50 ml वाटर कोल्डिंग जो भी आपने रखा था उसका शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर एक एक्टिविटी और करते हैं, आप क्या करो, एक बर्तन में अब 50 ml मान लो कोल्ड ड्रिंक आपने रख ली, कोल्ड ड्रिंक 50 ml थी, अब दूसरे बीकर खाली पड़े थे सब, इसमें से आपने क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक दूसरे बीकर में, देन दूसरे बीकर में, एंड देन दूसरे में, आप ऐसे करते जाइए, क्या लास्ट में इसका वॉल्यूम घटेगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, जितना था वही रहेगा? तो आपने देखा होगा वॉल्यूम वही रहेगा, लेकिन जिस प्रकार के बीकर में, जैसे बर्तन में आपने लिक्विड को डाला, वैसे ही शेप को क्या किया, गेन कर लिया, मतलब शेप चेंज हो रही है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। लिक्विड में देखिए पानी में जो है सॉलिड भी डिसॉल्व हो जाता है, मतलब ठोस भी, जैसे आपने चीनी हो गया,
शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, पानी डिसॉल्व हो जाएंगे। लिक्विड भी, कोई दूसरी लिक्विड भी आप मिला देंगे तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन। कल बताएगा था डिफ्यूजन क्या है। ठीक, आगे देखिए, गैस को भी हम इसमें डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस जो है कि आप हमारे एटमोसफियर में पाए जाते हैं, मेनली अगर देखें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में पाए जाने वाले जानवर हैं, वो पानी में भी रहकर वो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सबको ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है। और उन्हें वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है पानी में, क्या एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो पानी में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। मतलब गैस भी क्या होती है, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जहाँ से वो सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं गैसियस स्टेट पे, मतलब गैसी अवस्था में। गैसी अवस्था ऐसी अवस्था है जो इन दोनों अवस्थाओं से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, गैसियस स्टेट। देखिए, गैस में ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना फिक्स्ड क्या होता है, शेप होता है। ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना फिक्स्ड शेप होता है। जितने भी गैसें हैं ये किसी भी, जिस बर्तन में आप रखेंगे, जिस बर्तन में रख, उसी का क्या करती है, शेप गेन कर लेती हैं। और इन्वायरमेंट में मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस जो होते हैं, फ्रीली मूवमेंट होता है। अब देखिए क्या होता है, इनके बीच में मोर स्पेस होता है। इसके बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में मोर स्पेस होता है। उसके बाद फ्रीली मूवमेंट, ये आराम से फ्रीली मूवमेंट करते हैं, कहीं भी जहां जी ये गति करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ही कम होता है, नगण्य मान लो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और मूवमेंट ये करते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसीलिए जो होता है मोर स्पेस की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैस में सॉलिड और लिक्विड की कंपेरिजन में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। आगे, लार्ज स्पेस बिटवीन देम, मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन रेट इसमें ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल से मैं डिफ्यूजन को बताऊंगा गैस में कैसे ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई ठंडी चीज़ अगर घर में बनती हो तो उसकी खुशबू नहीं आती है, जल्दी नहीं आएगी, आपको उसके पास जाना पड़ेगा तब उसको स्मेल आपको आएगी। लेकिन अगर कोई गर्म चीज़ बनाई जाए, कोई चीज़ बनाई जा रही है, तल जा रही है, तो बाहर से भी आपको सुगंध आ जाती है। इसका मतलब जो गैस पार्टिकल्स है ना उसमें से निकल रहे हैं, उनका मूवमेंट बड़ी तेज से हो रहा है। वो एयर जो एटमोसफियर में वो मिल जा रहे हैं और मिलने के बाद उनका मूवमेंट इतनी तेज से हो रहा है कि बाहर भी उसकी सुगंध हमें मिल जाती है, वो डिफ्यूजन हो गया इसका। हाई लार्ज स्पेस बिटवीन देम, मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, डेंसिटी जो होती है, देखिए डेंसिटी एक अलग पॉइंट यहाँ पे आया है तो इसको मैं यहाँ से डिफाइन करूँ। डेंसिटी इसमें क्या है, ज़्यादा होती है। सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में बहुत ही कम होता है। डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है वही उसकी डेंसिटी होती है। मास पर वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी, घनत्व जिसे कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे ही घनत्व कहते हैं। देखिए, अब एकांक आयतन मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब में जो भी यहाँ पे मास होगा वही उसका घनत्व होगा। यहाँ पे एक सेंटीमीटर क्यूब में अगर इसका मास देखा जाए तो कम होगा क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, यहाँ पे इसका मतलब डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा पास पास है, इसका मतलब इससे डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ठोस में, सॉलिड में आ जाएं तो यहाँ देखेंगे पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, और एक सेंटीमीटर क्यूब में आप देखेंगे तो क्या होगा, मास आपको ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब डेंसिटी सॉलिड में ज़्यादा होती है और डेंसिटी लिक्विड में, सॉलिड के कंपेरिजन में कम होती है, और गैस में क्या होती है, सबसे कम होती है डेंसिटी। इसके बाद देखिए आगे, हम इसके बाद अगली क्लास कल होगी आपकी लेक्चर 3, उसमें आगे की चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद कैसे स्टेट का चेंज होता है, सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड कैसे गैस में चेंज होती है, इसको हम बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।